हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई के क्रिएशंस। आ गया हूँ मैं इस हफ्ते एक नई पेंटिंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की हमारी एक्रेलिक पेंटिंग का थीम है अ हाउस इन अ स्नो। चलिए गाइस, चलते हैं और पेंटिंग बनाते हैं। कम ऑन गाइस, लेट्स पेंट। तो गाइस, हमने ले लिया है कैनवास। अब इस पे सबसे पहले हम कर रहे हैं डार्क ब्लू कलर ऊपर, क्योंकि हम दिखाने वाले हैं एक नाइट का सीन, उसमें स्नोफॉल हो रही है। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ डार्क ब्लू कलर ऊपर से, नीचे हम करेंगे थोड़ा सा लाइटर टोन। ऊपर हम कर रहे हैं डार्क ब्लू। स्काई को दिखाने के लिए हमने डार्क ब्लू कलर चूज़ किया और डार्क ब्लू कलर का कोट मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने डार्क ब्लू को कोट कर दिया है। अब हम करेंगे स्नोफॉल। उसके लिए हम करेंगे ब्रश से वाइट पेंट स्प्रिंकल, और अब मैं नीचे मैंने पेंट करने के लिए डार्क ब्लू से थोड़ा सा लाइटर टोन लिया है, लाइट ब्लू कलर किया है। अगर आप कैसे लाइट ब्लू कलर आप कैसे बना सकते हैं, डार्क ब्लू कलर में थोड़ा सा वाइटर टोन, वाइट कलर मिक्स कीजिएगा, लाइट ब्लू कलर बन जाएगा। तो गाइस, अब हम बना रहे हैं झाड़ियाँ। झाड़ियों को बनाने के लिए मैंने पेंट ब्रश की टिप्स को यूज़ किया है, टिप्स को टैप किया है, पेंट किया है ब्लैक कलर्स को, और उससे पेंट किया है। अब हम बना रहे हैं हाउस। हाउस के लैंड के लिए हमने ऑरेंज कलर किया है, डार्क ऑरेंज। उसके ऊपर थोड़ा सा वाइटर टोन और कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट कलर और मैक और कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, थोड़ा सा ब्राउनिश टोन दे रहे हैं, थोड़ा सा एक ऑरेंजिश कलर, उस पर स्नोफॉल गिरी हुई है वैसा लुक दिखाने के लिए पहले मैंने ऑरेंज किया, फिर मैंने उस पर वाइट कलर कर दिया। थोड़ा स्किन कलर, थोड़ा डल कलर, थोड़ा ब्राउनिश कलर, थोड़ा वाइट कलर, ऐसा लगे लैंड है और उस पर स्नोफॉल हुई है। अब हम बना रहे हैं हट को। हट के लिए मैं कलर ऑरेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट टोन, ये पहला टोन है, पहला कोट है, तो उसके लिए हम ऑरेंज कलर से पेंट कर रहे हैं। ये देखिए, लाइट एक टोन मैंने लाइटर किया और बाहर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर डार्क किया है, और मैंने जो उनका शेड है हट का, वो उसके लिए मैंने लाइट ब्लू कलर किया है, क्योंकि उस पर स्नोफॉल गिरी हुई है, वो हमें दिखानी है, इसलिए हमने ब्लू कलर किया है। और जो बाहर मैंने ऑरेंज कलर किया है, वो दूसरी हट का किया है, दूसरी हट दिखाने के लिए मैंने बाहर ऑरेंज कलर किया हुआ है कि वो पीछे एक दूसरी हट दिखे, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन दिखे। उसके लिए मैंने उसमें डार्क ऑरेंज और बाहर वाली हट के लिए लाइट ऑरेंज किया हुआ है। लाइट ऑरेंज भी नहीं, उसमें येलो कलर मिक्स करके थोड़ा ब्राउनिश कलर में बना दिया। अब हम बना रहे हैं हट के अंदर की विंडोज़ और हट का एंट्रेंस। उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर ही किया हुआ है उसमें। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है हट। उसमें हम दे रहे हैं लाइट्स एंड शेडोज़ का इफेक्ट, और जो हमने दूसरी हट बनाई है बाहर, उसके लिए भी मैं थोड़ी लाइट एंड शेडोज़ का इफेक्ट दे रहा हूँ डार्क ऑरेंज कलर से, और येलो कलर से भी थोड़ा लाइट एंड शेडोज का इफेक्ट दे रहे हैं हम। अंदर में थोड़ा और ऑरेंज के अंदर येलो कलर कर रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा, यही डिटेलिंग ऐड करने से पेंटिंग निखर के आती है, पेंटिंग और सुंदर लगने लगती है। तो आप ध्यान से ये डिटेलिंग ऐड कीजिएगा। अब मैंने बना रहा हूँ पेड़, जो आखिरी पार्ट है इस पेंटिंग का। उसके बाद हमारी पेंटिंग बन के तैयार हो। पेड़ मैं बिल्कुल पतले ब्रश से बना रहा हूँ, बिल्कुल पतले से पेड़ बनाया, पतली सी टहनियाँ बनाई। अब उसकी जो लीव्स हैं वो बनाने के लिए मैंने मोटा ब्रश यूज़ किया है, और उसकी टिप से बना रहा हूँ। पेंट ब्रश का पूरा यूज़ नहीं करके सिर्फ टिप्स को टैप कर रहा हूँ ताकि लीव्स अच्छी दिखें। आप भी लीव्स बनाते वक्त पेंट ब्रश का टिप यूज़ कीजिएगा। और ये मैंने शेडो बना दिया पतले ब्रश से पूरी पेंटिंग का। अब आखिरी में थोड़ी स्नोफॉल दिखाएंगे, जो मेन पार्ट थी, हमने जो पेंटिंग की थीम थी हाउस इन अ स्नो, वो बनाने के लिए अब हम लास्ट में सिर्फ स्नोफॉल बनाएंगे और हमारी पेंटिंग बनके तैयार है। थोड़ी सी डिटेलिंग और ऐड कर दी मैंने, ये देखिए। थोड़ा सा ब्राउन कलर, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा येलो कलर, उससे थोड़ा लाइट्स में इफेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज कलर, इससे पेंटिंग और सुंदर लगे।
और लाइट्स एंड शेडोज़ का इफेक्ट है। पेड़ की बाउंड्रीज पे वाइट कलर ताकि स्नोफॉल दिखे, थोड़ा शेडोज़ का इफेक्ट है। ये सब दिखाने के लिए मैं बस लाइट्स एंड डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। ये डिटेलिंग ऐड करती हमारी पेंटिंग बनके तैयार है। सो गाइज, आप कमेंट करके बताना आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। इसी के तहत स्नोफॉल और हमारी पेंटिंग बनके तैयार है। तो गाइस, हमारी सुंदर सी हाउस इन अ स्नो पेंटिंग बनके तैयार। ओवरऑल पेंटिंग मेरे को सुंदर लगी, आपको कैसी लगी? आप अपनी राय, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये बनाने की ट्राई की तो मेरे इंस्टाग्राम पेज YK Creations के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं उसे अपनी स्टोरी पे रीपोस्ट करूँगा। आगे आप आने वाली वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको पेंटिंग में कोई प्रॉब्लम आई हो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए पेंट करते रहना। टाटा, बाय बाय, और दुआ में याद रखना। साइनिंग आउट गाइस, YK Creations हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।